नमस्कार मित्रों, वर्ड इनबॉक्स अकेडमी आनंद विद्यानगर में मैं विमल गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस समय रेलवे एनटीपीसी के खूब सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। अभी अगला एग्जाम आपका जो अपकमिंग है वो 16 जनवरी को होना है और ये एग्जाम लगातार मार्च तक जाने हैं। ग्रुप डी वाले हो जाएं या ग्रुप सी की बात करें या फिर हम एसएससी की बात करें, इन सब में जितने भी एग्जाम हैं उनमें कुछ छोटे छोटे चैप्टर आते हैं रीजनिंग से, वो रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था हैंड शेकिंग, वो भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मेरी जितनी भी कोशिश है वो यही है कि आपके आने वाले एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत दिक्कत करते हैं पर एक एक नंबर के हों, ज़्यादा नहीं, हमें तुरंत सीखने को मिल जाए, ऐसे चैप्टर को हमारी कोशिश रहती है कि हर बार हम लेके आए। तो इस बार उसी तरीके का एक फिर से चैप्टर लेके आए हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे रीजनिंग में एक चैप्टर है जिसका नाम है डाइस। डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। आप सबको पता होगा बचपन में लूडो खेला होगा तो लूडो में इस तरीके की आकृति का एक आपको जो है ना डायग्राम का जो है एक चीज मिलती है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, इसको ही पासा बोलते हैं। अब पासे की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये डिपेंड करता है। तो भाई पासा दो तरीके का होता है, एक वो जिससे हम लूडो खेलते थे, है ना, तो लूडो खेलने वाले पे पासे में और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या अंतर है ये पहले समझ लेते हैं। पासा जो होता है वो एक क्यूब पे बना होता है, घन पे बना होता है। घन यानी कि जिसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्यूब होता है, क्यूब में क्या होगा कि जैसे आप ये देख पा रहे हो इसकी 6 फेजेस होती हैं, 1, 2, 3 और 3 आपको हाइट होंगी। अब इसमें चूंकि ये 3D डायग्राम है तो लगातार घूम रहा है, पर यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ये आपका जो है 2D डायग्राम है, इसमें आपको 3 फेजेस तो दिखाई दे रही हैं पर आपकी 3 बाकी की क्या है, छिपी हुई हैं, और उन्हीं छिपी हुई डाइस जो फेज है उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई किस तरीके से पूछेगा ये समझ लेते हैं। देखो ये एक हमने पासा बनाया और पासा बनाने के बाद मैंने यहां लिखा 5, 1 और ये 3, ऐसे लिख दिया, और साथ में मैंने एक और डाइस बनाने की कोशिश की 6, 1, 2। तो आप देख पा रहे हो 2 डाइस मैंने बनाया, इसमें से ये जो डाइस है और इस डाइस में अंतर है। क्या अंतर है देखो, अगर जो हम गौर से देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, इनमें से कोई भी 2 फेज उठाओ और उनको जोड़ के देखो उनका सम कितना हो रहा है। 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 आएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा। लेकिन यहाँ देखो 7 और 1 को जोड़ोगे तो आपका 6 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से 6 और 2 को जोड़ो तो 8 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है समझो, आपने जब लूडो खेला होगा बचपन में तो आपको पता होगा, इतना तो जरूर याद होगा कि 6 आ जाए तो हमें एक चांस मिल जाती है एक्स्ट्रा, फिर 1 6 आ जाए तो एक और एक्स्ट्रा 5, यानी हम हमेशा सोचते थे कि 6 आ जाए, लेकिन काफी देर खेलने के बावजूद हमें 6 नहीं मिलता था तो हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते थे। मतलब ऊपर डाइस में हम इस तरीके से रखते थे कि ऊपर 1 दिखाई दे और हल्का सा शेक करने के बाद उसको पलट देते थे, तो हमें पता है कि अगर जो ऊपर 1 है तो डेफिनेटली इसके नीचे 6 होगा, इतना तो याद है ना आपको। तो यहीं से आप समझो कि जो डाइस जिस पासे से हम लोग लूडो खेलते हैं उसकी एक खूबी होती है, खूबी यह होती है कि उसमें कोई भी 2 अपोजिट फेज उठा लो उसका सम हमेशा 7 होगा। जैसे 1 ऊपर है तो नीचे 6 होगा, तो अगर जो यहां 5 है तो इसके ठीक पीछे 2 होगा, ये कंफर्म है। 5 और 2 को जोड़ने पे कितना होता है, 7 होता है, और अगर जो यहां पे 3 है तो डेफिनेटली इसके पीछे 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ने पे भी 7 होता है। ये क्या है, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप सीखने जा रहे हो पहले उसके बारे में अच्छे से समझो। डाइस 2 तरीके के होते हैं, एक वो जिससे हम लूडो खेलते हैं और जिससे लूडो खेलते हैं उसको हम स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा बोलते हैं। मानक पासा में किसी भी 2 विपरीत सतह को उठाओ, 2 अपोजिट फेस को उठाओ और उसको जोड़ोगे तो हमेशा 7 मिलेगा, कन्फर्म है।
चाहे एक है तो उसके पीछे छह होगा क्योंकि एक और छह को जोड़ने पे सात होता है, पांच के ठीक पीछे दो होगा, तीन के ठीक पीछे चार होगा, ये हो गया मानक पासा। लेकिन अगर जो मानक पासा है और हमको पता चल गया कि एक के पीछे छह है तो हमसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता कि बताओ पांच के पीछे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका जोड़ने पर सात मिले, तो वो बताना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो स्टैंडर्ड डाइस से नहीं पूछता है, वो पूछेगा आपसे ऑर्डिनरी डाइस से। ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है? अब डाइस यही है पर लेकिन वहां पे कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगा, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि एक के पीछे छह लगाए। जैसे मान लो मेरी मर्जी, मैंने एक डाइस बनाया और हमारी मर्जी आई हमने यहां पांच लिख दिया, फिर मेरी मर्जी आई कि हमने इसी के बाजू में दो लिख दिया और फिर यहां पर हमने तीन लिख दिया, तो भाई अब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहा क्योंकि पांच और दो दोनों आजू बाजू में रखे हुए हैं, पांच और दो को जोड़ने पे सात हो रहा है, जबकि मैंने बताया था जिनका योग सात हो वो आजू बाजू नहीं होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, यानी पांच यहां तो दो इसके पीछे होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, साधारण सा पासा है। और वो कौन सा था हमारा? स्टैंडर्ड डाइस था। स्टैंडर्ड डाइस में कोई भी दो अपोजिट उठाओगे फेस तो उनका सम हमेशा सेवन होने वाला है। तो यहां पे जो भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऑर्डिनरी डाइस से होंगे, वहां पे आपको कुछ नियम समझने की जरूरत है। देखते हैं कैसे नियम। ये देखो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ये एक कोई डाइस है, यहां पे इसके हर फेस पे कुछ अलग अलग सिंबल दिए हुए हैं और कहेगा कि इसको हमें सॉल्व करके बताओ कि इसमें स्टार के अपोजिट क्या होगा। कह रहा विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार, मतलब यहां पे कह रहा है कि अगर जो स्टार ऊपर हुआ तो उसके ठीक नीचे क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो घबराओ नहीं, आज हम तुमको डाइस से रिलेटेड केवल दो नियम सिखाएंगे, वो दो नियम अगर जो तुमने अच्छे से समझ लिए तो फिर इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब सॉल्व करके आओगे। तो पहले तो उस नियम को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला नियम, ये मैंने एक डाइस लिया है, ऑर्डिनरी डाइस है, पर ये एक ही डाइस को दो अलग अलग एंगल से दो पिक्चर ली गई हैं। ये दो अलग अलग डाइस नहीं है, एक ही डाइस है पर उसको अलग अलग एंगल से दिखाया गया। एक बार इस एंगल से फोटो खींच के दिखा दी गई ये वाली, दूसरी वाली दूसरे एंगल से दिखा दी गई, तो एक ही डाइस की दो अलग अलग फोटो हैं और इसको देख के हमें पता करना है कि बताओ पांच का अपोजिट क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है, या चार का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो कैसे करेंगे? देखो मेरे भाई नियम नंबर वन क्या कहता है, ये इन दोनों की दोनों इमेजेस में अगर जो हम गौर से देखें तो हमें एक चीज देखने को मिल रही कि वन यहां भी है और वन यहां भी है, यानी दोनों की दोनों इमेजेस में दोनों जगह एक डिजिट कॉमन हो रही है, वो है वन। क्या और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं, पांच है पर वहां नहीं है, तीन है पर वहां नहीं है, यानी कुल मिला के इसमें केवल एक डिजिट कॉमन हो रही है। तो ध्यान रखो मेरे भाई, कभी भी अगर जो आपको दो इमेजेस में केवल एक फेस कॉमन मिले, केवल एक फेस, तो आपको इस तरीके की कुछ टेबल बना लेनी है। ऐसे टेबल बना लो, बना लिया। टेबल बनाने के बाद पहले वाले बॉक्स में उस डिजिट को लिखो जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है? वन है, वन लिख लिया। फिर उसके बाद उस डिजिट से घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, किधर बढ़ेंगे? क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, तो वन के बाद क्लॉकवाइज बढ़े तो तीन आता है, तीन के बाद क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो पांच आएगा, और पांच के बाद बढ़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? एक। तो जो कॉमन फेज है वहां से घड़ी की दिशा में बढ़ो, तो एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, सही है। यही काम उधर भी करेंगे, उसमें भी हमें सबसे पहले उस नंबर को लिखना है जो कॉमन है, तो वन कॉमन है, ले लिया। अब वन से घड़ी की दिशा में बढ़ो तो आएगा सिक्स, सिक्स से क्लॉकवाइज और आगे बढ़े तो क्या बनता है? फोर, लिख लिया। अब इस टेबल को गौर से देखो तो हमें इसमें वन दिखाई दे रहा है, थ्री दिखाई दे रहा है, फाइव, फोर, सिक्स, एक नंबर मिसिंग है और वो नंबर है आई थिंक टू। तो जो नंबर बच जाए उसको आगे ऐसे लिख लो। तो देखो
अब ये टेबल तुमको सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल है। अगर जो तुमसे वो पूछता है कि पांच का अपोजिट क्या है, तो बताओ पांच का अपोजिट ठीक उसके सामने क्या लिखा हुआ है, चार। तो इसको देख के बता सकते हैं, पांच के अपोजिट फेस में चार आएगा, तीन के अपोजिट फेस में सिक्स आएगा, और अगर जो एक का पूछ लेता है तो एक का अपोजिट दो होगा। तो ये बना आपका रूल नंबर वन, पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि अगर जो कभी भी दो पिक्चर्स में हमें एक फेस कॉमन मिले तो ऐसी टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले वाले बॉक्स में उस डिजिट को लिखेंगे जो कॉमन हो, तो कॉमन वन था ले लिया। फिर उस डाइस में उस कॉमन फेस से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते जाओ और नंबर लिखते जाओ उसी के सामने। ऐसा लिखने के बाद जो एक नंबर बचा हो उसको आगे लिख लो, और वही टेबल आपकी कंप्लीट होकर आपको आंसर देने लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये नियम नंबर एक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार इसको लिख लो। फिर हम नियम नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। एक बार दोनों नियम को अच्छे से समझ लेते हैं फिर अपना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं। रूल नंबर टू की ओर चलते हैं। हाँ जी, देखो मैंने फिर से एक बार दो पिक्चर्स लिए किसी एक डाइस की, ये एक ही डाइस है, पर इस बार भी तुमको अलग अलग एंगल से दो पिक्चर दिखाई गई हैं। गौर से देखो इस बार तुमको क्या कॉमन दिख रहा है। अगर जो इन दोनों पिक्चर्स में हम कॉमन लेने की बात करें तो इस बार टू और टू दोनों जगह है, फाइव और फाइव दोनों जगह है, यानी इस बार एक फेस कॉमन नहीं है, दो दो फेस कॉमन है, पांच और दो, पांच और दो, देखो कॉमन हो रही कि नहीं हो रही है। तो जब कभी भी याद रखो कि अगर जो हमें एक साथ दो फेस कॉमन दिख जाएं, तो इधर जो बचा हुआ है चार और इधर बचा हुआ है एक, यानी रिमेनिंग फेस 100% एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो नियम नंबर दो कहता है कि कभी भी तुमको एक साथ दो फेस कॉमन दिखाई दे तो जो रिमेनिंग फेस होगी वो एक दूसरे की अपोजिट ही होगी। तो कोई दो राय नहीं है, अगर जो आपसे चार का अपोजिट पूछ लेता तो आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो, एक। तो बस ये दो नियम हैं जिसके सहारे हम सारे के सारे डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये आपको नियम नंबर दो भी समझ में आ गया होगा, लोगों ने लिख लिया होगा, और इसकी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ भाई, अब आप पहचानना कि इसमें कौन सा नियम लगेगा। देखो तुमसे एक ही डाइस के कई सारे पिक्चर दिखा रहा है, यहां पे नंबर नहीं है, सिंबल्स है। अब आपसे कह रहा है कि आपको बताओ भाई ये जो स्टार देख रहे हो ना इसके अपोजिट में क्या होगा, ये हमको बताना है। तो आप कोई भी दो डाइस उठा लो, देखो क्या काम बन रहा है क्या। अगर जो हम इनको इनको उठाएं तो यहां पे देखो हमको स्टार भी कॉमन दिख रहा है और एट द रेट भी कॉमन दिख रहा है, यानी दो दो फेस। तो दो फेस कॉमन लगी, इसका मतलब नियम नंबर दो लगा, और वो हमको कहता है कि अगर जो दो फेस कॉमन है तो इसका मतलब माइनस का अपोजिट प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस बच रहा है उधर प्लस बच रहा है। पर एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि माइनस के अपोजिट में क्या होगा, वो पूछ रहा है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो जरा ठहरो और देखो ऐसे कोई दो फेज, ऐसे दो कोई डायग्राम जिसमें केवल एक फेज कॉमन हो, पहले ऐसे देखो। अगर जो हम एक फेज कॉमन की बात करें तो दूसरे और चौथे वाले डाइस को गौर से देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। हम दूसरे और चौथे में देखें तो यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, सही कह रहे हैं, यानी एक फेस कॉमन है। तो नियम नंबर एक लग सकता है, और बहुत छोटा सा नियम है, प्यारा सा नियम है, उसको लगा देते हैं। तो यहां कॉमन क्या है, प्लस, लिख लिया। प्लस से घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो मिलेगा स्टार, लिख लो स्टार। स्टार से घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो आएगा एट द रेट, एट द रेट लिख लिया, सही है, एट द रेट। अब यही काम यहां भी करते हैं, सबसे पहले प्लस लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है। प्लस से घड़ी की दिशा में बढ़ो तो आठ लिखा हुआ है, आठ लिख लिया। आठ के बाद घड़ी की दिशा में बढ़ोगे तो डॉलर लिखा हुआ है, ये डॉलर लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद देखो
एक सिंबल कोई ऐसा होगा जो इस टेबल में नहीं आया, प्लस आ गया, स्टार आ गया, एट आ गया, एट द रेट आ गया, डॉलर आ गया, देखो कोई तो सिंबल होगा, ये माइनस नहीं आया, ये माइनस बचा हुआ है, इसको आगे लिख लो। अब ये टेबल देख के तुम आंसर बता सकते हो, 101% बता सकते हो कि क्या है। वो पूछ रहा था स्टार के अपोजिट क्या होगा, तो देखो स्टार के ठीक सामने क्या लिखा हुआ है, 8, तो यहां पे आपका आंसर होगा सी, यानी कि स्टार के अपोजिट फेज में 8 होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, समझ में आया? अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि किसमें नियम नंबर 1 लगाना है, 2 लगाना है। अरे आपको पहचानना नहीं है, आपको वहां काम बनाना है, चाहे 1 से बनता हो तो 1 से, 2 से बनता हो तो 2 से, लेकिन हम आपको सिखाने आए हैं तो आप ये समझो कि नियम जो बनाए जाते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं। अगर जो हमारा क्वेश्चन सही है तो चाहे नियम नंबर 1 लगे या 2 लगे, हमारा आंसर 1 आना चाहिए। हमारी कोशिश ये रही कि हमारा आंसर जल्दी आना चाहिए, तो हमने क्या किया कि यहां पे सबसे पहले एक फेस कॉमन ढूंढ लिया। अब जरा देखो, अगर जो हम दूसरे और चौथे को ना लें, किसी और को कॉमन देखना चाहे, हमको तो स्टार का अपोजिट चाहिए ना, तो स्टार के अपोजिट लिए नियम नंबर 2 यह कहता है कि स्टार को छोड़ के जो 2 हो वो दोनों कहीं कॉमन मिल जाए तो नियम नंबर 2 लग जाएगा। तो भाई देखो, अगर जो हम तीसरे और चौथे को गौर से देखें, तीसरे और चौथे को, तो इसमें नियम नंबर 2 लग रहा है। तीसरे में और चौथे में गौर से देखो तो हमको 2 फेस कॉमन दिख रही है, क्या, डॉलर और प्लस दिख रही है ना, 2 फेस कॉमन हुई। अच्छा, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर जो कभी भी एक साथ 2 फेस कॉमन हो जाएं तो जो भी बची हुई फेस होंगी वो 100% एक दूसरे की अपोजिट होंगी। सही कह रहे हैं? तो जरा देखो यहां पे क्या बच रहा है, स्टार, और यहां क्या बच रहा है, 8, तो स्टार के अपोजिट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो नियम नंबर 2 से भी 8 आ रहा है और हमारी टेबल भी कह रही कि ये स्टार का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा। तो आगे तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा फोकस होना चाहिए कि स्टार का अपोजिट पूछ रहा है तो स्टार को टारगेट करो, चाहे वो नियम नंबर 1 से निकलता हो या फिर नियम नंबर 2 से निकलता हो। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनमें बस आप बताओ, सॉल्व करना, पहले पॉज करके वीडियो, पहले खुद से सॉल्व करना, फिर इसको प्ले करके देखना, पहले देखो कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा नियम आ रहा है। चलो वन बाय वन देखते हैं। तो इसका आंसर तो भाई हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इस बार भी तुमको एक डाइस के 2 फेजेस दिखा रहा है, 2 इमेजेस दिखा रहा है। कह रहा विच नंबर इज ऑन द फेज अपोजिट टू 5। कह रहा 5 के अपोजिट क्या होगा। तो भैया ये लूडो में देखो 5 दिख रहे हैं ना, 5 बिंदु हैं, इसके अपोजिट पूछ रहा है। पहले गौर से देखो और देख के बताओ इसमें नियम कौन सा लगेगा, नियम नंबर 1 लगेगा कि 2 लगेगा। देखो भाई देखो, अगर जो इसमें देखें तो कॉमन क्या है, यहां पे 2 दिख रहा है तो 2 यहां भी है, यहां 1 दिख रहा है तो 1 यहां भी है, यानी कि सीधी सीधी बात है कि इसमें नियम नंबर 2 लगेगा, 1 नहीं लगेगा। तो नियम नंबर 2 कहता है कि 2 और 1 कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है, तो इसका मतलब यहां पे क्या मिला, 5, यहां मिला 4, तो 5 का अपोजिट 4 होगा। और यही हमसे पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या है, तो इससे आंसर आ गया ऑप्शन डी, 4 आएगा आंसर। नियम नंबर 2 था, उसी पे क्वेश्चन उसने बना दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, इस बार तुमसे कह रहा है इसमें 4 का अपोजिट बताओ, 4 का अपोजिट, जबकि देखो इन दोनों इमेज में कहीं भी 4 नहीं है। कोई बात नहीं, पर आप बस ये देखो इसमें क्या कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर जो हम देखें तो 1 यहां है, 1 वहां नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, पर 3 यहां भी और 3 यहां भी है, दोनों जगह 3 कॉमन है, और दोनों जगह कॉमन हुई है तो केवल 1 फेस कॉमन हुई है, केवल और केवल 1 फेस कॉमन हुई है। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके की टेबल बना लेते हैं फटाफट। टेबल बनाएंगे तो टेबल में सबसे पहले वो डिजिट लिखो जो कॉमन है, तो इधर 3 कॉमन है, लिख लिया। 3 के बाद घड़ी की दिशा में बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 1, फिर घड़ी की दिशा में और आगे बढ़ जाओ तो क्या मिलेगा, 2। यही काम इस तरह भी करते हैं, पहले लिखा कॉमन फेस 3, 3 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, 5, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ो तो कितना मिलेगा, 6। टेबल कंप्लीट, पर एक डिजिट कॉमन है अभी, सॉरी एक डिजिट रिमेनिंग है, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, कोई एक नंबर अभी भी बच रहा है, और वो बच रहा है आई थिंक 4। तो जो बचा हुआ है वो आगे लिख लो।
तो ये बता रही है टेबल कि एक का अपोजिट 5 होगा, दो का अपोजिट 6 होगा, पर क्वेश्चन कह रहा है 4 का अपोजिट बताओ। तो 4 का अपोजिट और कोई नहीं होगा, 3 होगा। और 3 देखो ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 4 का अपोजिट 3 होगा, यही हमारा पहला ऑप्शन है। अब अगर जो एग्जाम में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या लगाना है, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाए। किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत हो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख लो, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर भेजना, हम उस पर भी आपका एक नया वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार बताओ, एक ही डाइस की 4 इमेज दिखा रहा है और आपसे कह रहा है कि अगर जो 2 की बात करें, 2 है तो 2 के ठीक सामने कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है, 2 के अपोजिट फेस में। चलो देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों डाइस में खोजने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। इनमें अगर जो कॉमन देखने की बात करें तो यहां 3-2 है पर यहां 2 नहीं है, यहां 3 है यहां 3 नहीं है, यहां 5 है पर हां 5 है। तो इसका मतलब एक फेस कॉमन हो गया, एक फेस कॉमन हो गया तो इसका मतलब नियम नंबर 2 लग सकता है, सॉरी नियम नंबर 1 लगेगा। नियम नंबर 1 कहता है कि पहले कॉमन फेस लिख लो 5, 5 के बाद हमको मिलेगा घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो 3, 3 से क्लॉकवाइज और आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 2। ये पहला वाला पूरा हो गया। यही काम इधर करते हैं, इसमें सबसे पहले लिखेंगे 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो क्या मिलेगा 4, और 4 से क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कोई एक नंबर अभी भी बचा हुआ है। तो लूडो खेलते हो तो आपको पता होगा कि 6 फेज है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और फिर 6। तो इसमें 1 अभी मिसिंग है, तो जो मिसिंग है यानी डिजिट 1 उसको हम सबसे आगे लिख लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा 2 का अपोजिट बताओ, तो 2 के ठीक सामने टेबल में क्या लिखा हुआ है 6, तो आंसर होना चाहिए आपका 6, दैट मीन्स ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नियम नंबर 1 से बन गया। अब आप ऐसा मत करने लगना एग्जाम में कि आपका आंसर तो आ गया है पर अब चलो एक बार करके देखते हैं नियम नंबर 2 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आपका टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर जो हमें नियम नंबर 1 से निकल गया तो छोड़ो ना, घर पे आके उस पर रिसर्च करना। ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस बार तुमसे कह रहा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा ये तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना। हम सबका आंसर देखना चाहेंगे कि कितने लोग सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हो और कितने लोगों को समझ में आया। तो 6 का इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है कि इसमें अगर जो 6 जो है 6 उस फेज के ठीक सामने कौन सी फेज होगी ये हमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका आप सॉल्व करो, आंसर हमें बताना, अगर जो नहीं आता है तो हम अगली बार इस क्वेश्चन को ले लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहो, अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और हर बार जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, वो हमें गाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें और क्या इंप्रूव करना हो। तो प्लीज़ अपने कमेंट जरूर डालो और इसी तरीके के बहुत सारे वीडियो जो इंटरेस्टिंग है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। ये टेलीग्राम हमारा एड्रेस है, इस पर आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे, आप उनसे जुड़ जाओ। सेम एड्रेस पर हमारा फेसबुक भी है जिसको आप लाइक कर सकते हो, उस पेज को लाइक करने से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिलेंगे। और अगर जो फिर भी कोई डाउट और क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।